आज मैं आई हूँ अपने स्कूल और मैं आपको अपना स्कूल टूर दूंगी, छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगी और थोड़ा बहुत आपको जगह बताऊंगी कि हम क्या कुछ करते थे। तो चलिए देखते हैं, शुरू। मेरी स्कूटी नहीं, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये छोटे बच्चों वाली विंग्स, यहाँ पे हम झूले लेते थे छोटे बच्चों के, पर टीचर्स मना करते थे हमें। पे जामुन लगते थे, जामुन लगते थे नीचे भी गिरे हुए। हाँ, कितने सारे नीचे भी गिरे हुए हैं अगर आपको दिख रहा है तो। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, ये छोटे बच्चों का स्कूल। सारे फ्रेंड्स, और जब ये वीडियो मेरी सारी फ्रेंड्स देखेंगी ना, सारी खुश हो जाएंगी, सबकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। हमें वहाँ जाना है, हमारा स्कूल वहाँ पे है। चलिए, शक्तिमान आ गया। कितना मज़ा आता था ना स्कूल में। स्कूल टूर अभी वो तो हटा दिए जहाँ पे बैठते थे। मैं तो आप कितने सालों बाद मैं ऐसे विजिट कर रही हूँ, बदल गया पर मेरे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, पर वैसे सब बदल गया मतलब। ये हमारी बिल्डिंग है सीनियर्स की, और अब वहाँ से देख सकते हो, काला काला आ रहा होगा धूप के कारण ना। वहाँ हमारी स्कूटीज, अपने प्राइवेट व्हीकल खड़े होते थे। दिखा दूँ थोड़ा सा, और ये ग्राउंड तो सबको याद होगा, फिजिकल एजुकेशन जो हुआ था यहाँ पे, सारा प्रैक्टिकल वगैरह। स्कूल के अंदर जाएंगे, बैक साइड है वैसे स्कूल की, फ्रंट आगे से है, पर देखेंगे शूट होती है कि नहीं वो तो। अपने स्कूल में ये बैक साइड है, और हम जैसे यहाँ से एंट्री करते थे, मैं आपको वैसे ही दिखाऊंगी। जब हम इसके अंदर एंट्री करते थे ना, तो हम मत्था टेक के करते थे, तो आज फिर से वही पल वापस जीऊँगी और मत्था टेक के अंदर जाऊँगी। तो चलिए चलते, सारा इंट्रोड्यूस कराऊंगी यहाँ पे क्या कुछ होता था। यहाँ से एंट्री होती थी सभी बच्चों की, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। एक बार मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ यहाँ पे, कैसा यहाँ से दो क्लासे की मतलब पास पे जाता है, और इधर वाली यहाँ पे हवा चल रही है बहुत अच्छी। एक बार व्यू दिखा देते हैं सारे। ये वो वाला ग्राउंड है जहाँ पे हम प्रेयर करते थे, सारे बच्चे यहाँ इकट्ठे होते थे। और किस किस के साथ, मेरे ख्याल से ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि कॉलेज में जाने के बाद भी हम यही बोलते थे कि हम स्कूल जा रहे हैं। वहाँ पे सारे वो लगता था माइक वगैरह, सारे बोलते थे, यहाँ लाइंस बनती थी। कितना अच्छा लग रहा है फिर से ऐसे। किस किस ने बंक मारे हैं वो भी बता। मैंने तो मारे हैं, आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे को कोई डांट नहीं मारेगा। हाय, कितना अच्छा लग रहा है। किसके साथ मारे ने हाँ? ये भी बताते। अपने फ्रेंड्स के साथ मारे मैंने सारे, जब मन नहीं करता था लाइब्रेरी जाके बैठ जाते थे, पेट दर्द का बहाना करके। कभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, कभी कुछ।
यहाँ भी ग्रास बड़ी होगी। ये वो स्टेज है जहाँ पे छोटे मोटे फंक्शन भी होते थे डेली प्रेयर के लिए, यहाँ पे सब कुछ लगता था। अभी सब काला दिख रहा होगा ये बिल्डिंग। फ्रंट गेट है जो भी लॉक पड़ा है, इसीलिए हम छुपके से आए हैं इस स्कूल के अंदर। ये हमारा डायरेक्टर ऑफिस, यहाँ पे सारे पेरेंट्स वेट करते थे अपने अपने बच्चों का। ये हमारा मैनेजमेंट ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस। ये थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ बस। ये हमारा फ्रंट गेट है, इसके इधर भी पार्क है पूरा। पहले यहाँ कैंटीन भी हुआ करती थी, पर हमारे टाइम वो बंद हो गई थी। कैंटीन होती थी जहाँ पे व्हीकल्स खड़े करते थे। अच्छा, और इधर भी पार्क था। चलिए अब यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। और ये था स्टाफ रूम, फर्स्ट स्टाफ रूम, और टोटल पता नहीं कितने थे यहाँ स्टाफ रूम, अब मैं सब भूल गई। सैनिटाइज़र का यहाँ ध्यान रखा गया पूरा। और यहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे स्कोर करता था उसके सबके नाम, पर मैं तो फिर भी नहीं आई इधर। नहीं, लेकिन मैंने अच्छे स्कोर ज़रूर किए थे, वो अलग बात है, हमारा नाम ही नहीं आया इधर। अपनी क्लास की तरफ, और बाद में हम आपको इधर से भी टूर दे देंगे। ये ऑफिस है हमारा मेन, अभी खुला नहीं है, सब कुछ बंद ही रहेगा, पर हम आपको बाहर से सारा कुछ दिखा देंगे। अब हम जा रहे हैं अपनी क्लासरूम की तरफ। यहाँ पे हम गुड थॉट्स लिखते थे, और मेरी राइटिंग अच्छी थी इसलिए सारे बच्चे मेरे पास भी आया करते थे। ये हमारी क्लास की खिड़कियाँ, यहाँ से देखते हैं कुछ अगर आपको दिखे। ये हमारी क्लास होती थी, ये मैम का या सर का स्टेज बना हुआ था, और हम 50-50 बच्चों की, लेकिन ये हमारी क्लास नहीं है, सारे बच्चों की क्लास ऑलमोस्ट ऐसी है। ये 1 नंबर रूम था, अब हम जा रहे 2 नंबर रूम। अब आप गिनते रहिएगा कितने कमरे हैं, सबके सेम बने हुए हैं। 3 था ना अपना? हाँ, 3। हाँ, हमारी क्लास को ताला नहीं लगा, हमारे लिए अच्छी बात है। मैं आपको क्लास खोल के दिखाऊंगी। 3 नंबर रूम हमारा, जिस जिसको याद है मेरे साथ के बैचमेट्स। ये देख लो हमारी पूरी क्लास। सीसीटीवी तो नहीं चल रहा? चल रहा है ऑल टाइम। ओ तेरी, कोई बात नहीं। ये हमारी पूरी क्लास, इधर गर्ल्स, ये तो उधर बॉयज। हाँ, पहले गर्ल्स उधर बैठती थी, पर फिर सारे बॉयज बाहर देखते थे, इसीलिए मैम ने चेंज कर दी जगह। और ये तो पेपर होने की वजह से सारे अलग अलग बिठा दिए, नहीं तो 3 इधर अटैच और 3 उधर अटैच। और ये रहा वो बाहर वाला ग्राउंड, यहाँ से बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, आप ग्राउंड देख सकते हो, फूल भी लगे हुए हैं अच्छे अच्छे, वाइट कलर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो ये, वो देख इसमें, अच्छा लग रहा है। प्लेग्राउंड से आते थे ना जो, तो यहाँ तो मतलब हवा ही नहीं, गर्मी तो बहुत थी, लेकिन खेलते तो नहीं थे, फिर भी धूप में बैठ के बातें भी करनी बहुत होती थी, ओखा लगता है। ये बॉयज वॉशरूम वाली साइड, हम भी कभी कभार पानी की प्यास लगती थी तो पी लेते थे, वैसे आना इधर ही पड़ता। ये 5, ये आर्ट्स का है। हमने प्रैक्टिकल दिया था इको का। हाँ, इधर प्रैक्टिकल दिया था इको का, हमने यहाँ इको का प्रैक्टिकल दिया था लास्ट डे का, मतलब जब क्लास में बैठे थे।
यहाँ से सारा अच्छा दिखता था। टीचर्स बाहर यहाँ धूप में भी खड़ा करती थी अपने को, याद है? फूल देख लो, ये किसका था? अंबी का पेड़ था ना? हाँ अंबी का पेड़, यार मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है अंबियाँ, अब तो है ही नहीं। इस पेड़ पे किसी टाइम अंबियाँ भी होती थी। तो जामुन तो मिल गए। यहाँ से भी जा सकते हैं हम ऊपर, ऊपर वाले फ्लोर पे। था ये हमारी 11th थी। हाँ वो हमारी 12th थी जो मैंने पहले दिखाई, और ये हमारा सेकंड स्टाफ रूम, और ये हमारी 11th क्लास 7 नंबर रूम। अब क्या है यहाँ पे? इधर भी ताला नहीं होगा, लेकिन सारी क्लास एक जैसी है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लैब भी है। वैसे हम कभी, वैसे स्केलेटन होता था ना बायोलॉजी लैब में, अभी भी खुला होगा तो देखेंगे, आपका स्केलेटन दिखाएंगे। हर टाइप की लैब्स भी हैं यहाँ, केमिस्ट्री लैब। थोड़ा सा हालत ख़राब है, लगता है किसी ने ब्लास्ट कर दिया। कितनी अच्छी यादें हैं यार, अब मेरे को जब भी याद आएगा मैं अपना ही ब्लॉग देखूँगी। फूल भी कितना ज़बरदस्त है, हे कितनी अच्छी हवा चल रही है। दिन में आती ना तो बच्चे खेलते भी हैं, तो उनकी ले लेती। आपको लगा था ना बच्चे खेलते हैं? चल ये वाली, और ये जो पौड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे हमने लास्ट में 12th में जाते थे फोटोज खिंचवाई थी सबने। हाँ याद है ना मैम के फोन से? सबकी बॉयज गर्ल्स की सब, हाँ इकट्ठी ली थी, हुई थी एक स्पेशल। फिर से मई आ गए, अब हम वापस अब इधर से जाएंगे, पहले अपने उधर से इधर आए। हाँ पहले हम उधर से इधर आए थे, अब हम इधर से आगे जाएंगे। यहाँ ये कौन सी लैब है? ये पता नहीं, फिजिक्स है। फिजिक्स, हाँ, ये फिजिक्स लैब है। इतनी लंबी, आगे इसका गेट यहाँ एंड होता है, अपने चलते हैं, खुला नहीं है। लो बैड लक, पर क्या पता खुली भी नहीं है खिड़कियाँ, भी कोई एक भी खिड़की नहीं खुली। वैसे हाँ हाँ खुली मिल गई हमें, फिर से एक खिड़की खुली मिल गई, शुक्र है। फिजिक्स लैब है, ये पूरी लैब है, और लैब के अंदर तो जाने नहीं देंगे ना, गेट देखें नो, अंदर से बंद है, बैड लक। लेकिन बायो लैब, शुक्र है बायो लैब तो खुली पड़ी है। ये कौन सा रूम था? ये बायो ही लैब थी दोनों, ये दोनों बायो लैब तो नहीं हो सकती, लेकिन इधर तो ताला है। इधर भी यही चक्कर हो गया, अंदर से बंद है। अगर स्केलेटन तो यहीं पड़ा था सामने, वो रहा स्केलेटन, मिल गया शुक्र है। दिखा दूँ मैं आपको बायो लैब, वो सामने स्केलेटन है, अगर दिखते हैं जूम करने पे दिखता है कि नहीं। लाइट नहीं आ रही, आ गई आ गई, थोड़ा सा देख लो कंकाल। यहाँ से दिख जाए तो थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद, हमारी मेहनत के लिए यार। और दिख गया बड़ा हाँ। ये फिजिकल, फिजिकल लैब है, हाँ जहाँ पे अपने फिजिकल वाली वो होती थी किताबें। ये मेरी 10th थी, तुम्हारी 10th, सबकी भी 10th थी, लेकिन बस रूम चेंज होते थे। हाँ। उसमें चार सेक्शन होते थे 10th में, नहीं ये दूसरी स्टेयर्स ऊपर ही जाने के लिए, एक वो थी ऊपर जाना। अरे हम पहुंच गए ऊपर, ये छोटे बच्चों की क्लासेस हैं, यहाँ से हमारा पूरा स्कूल दिख जाएगा। ये ऊपर वाले गेट के लिए कितने लोग ट्राई करते थे ना कि क्या ऊपर है क्या, पर ये बंद रहता था। हाँ
कोई ना कोई देख ही लेता था, फिर ट्राई तो बहुत किया था मैंने। यहाँ से चले गया इमरजेंसी एग्जिट, ये ऊपर जाने का द्वार है। इतनी शुद्ध दिन थी। अच्छा अभी यहाँ सारा कचरा ही पड़ा है। एग्जामिनेशन सेल, हाँ एग्जामिनेशन सेल, यहाँ पे सारा एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा यहीं होता था। और यहाँ किसी बच्चे को ज़्यादा परमिशन नहीं होती थी एंट्री की। कोई हाँ टेबल्स लगा के रखते थे अंदर, तो एंट्री नहीं होती। हाँ बेटा क्या चाहिए, यहाँ तो आग लगी नहीं वैसे, रखते कितने सालों से यही नहीं भाई लगे भी ना। प्रिंसिपल ऑफिस भी है। एक बार अपनी क्लास ऊपर शिफ्ट हुई थी ना, स्टाफ रूम, लेडीज स्टाफ रूम। अब इसको स्टाफ रूम बना दिया, पहले क्लास होती थी ये। अब यहाँ पे भी इमरजेंसी एग्जिट, क्या ये खिड़कियों के लिए? इतने में तो कोई बच्चा ना फंसे। मेरे हिसाब से वो उसके लिए बता रहे हैं। अच्छा आग बन गया है, छोटे बच्चों के कमरे। यहाँ पे नीट का एग्जाम भी हुआ था कल परसों। नीट का कितनी अच्छी होता था ना, जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन छुट्टी हो जाती थी। ये प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ लेडीज प्रिंसिपल है, बाकी सारी वही हैं। हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, बाकी लाइब्रेरी रहेगी एक दिखाने वाली मेन। लेकिन आगे से दिखा सकती है। हाँ लाइब्रेरी तो वैसे अपने पेट दर्द के लिए होती थी, टीचर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होती थी। तो एक फ्री पीरियड होता था उसके लाइब्रेरी हाँ। और चुपचाप पढ़ना होता था, इलेवेंथ में भी बहुत मजे थे, चुपचाप पढ़ना होता था बस। ये क्या स्टाफ रूम जेंट्स, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई हैं बस थोड़ी। हाँ मैंने खुद ने अब देखी है, इतने साल मेरे को हो गई इधर को, खुद मुझे अभी पता चला। तू भी मेरे ख्याल से अभी कर रही होगी, तो कितना घुमा रही हूँ मैं, तो गर्मी लग रही है। मेरे को भी लग रही है, देखना आगे कैसे। वहाँ से हम आए थे पर धूप के कारण शायद मेरे झाड़ू पोछा भी आधा रह गया, मैं सुबह लगा रही थी आज। मैंने भी लगाते लगाते तो मेरे ये वो ही है जहाँ से हम आ रहे थे, पहले हम आने वाले थे पर आए नहीं। यहाँ से ऊपर जा सकते पर ऊपर लॉक था गेट, जैसे मैंने दिखाया था वही अंबियों का पेड़, यहीं से तोड़ सकते थे पर तोड़ी नहीं कभी, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता था, मेरी हाइट बड़ी छोटी थी। हाँ मैंने नाइन्थ में ज्वाइन किया था यहाँ, तुम्हारी ऊपर क्लासेस रखी थी, नहीं मेरी तो नाइन्थ में नीचे थी, हमारे ऊपर नीचे ही थी। अच्छा वो इसी वजह से, हाँ तो हमारी ऊपर शिफ्ट करवाई थी ये सेक्शन, फिर टेंथ से तो नीचे था। हाँ आज मैंने मेरे साथ तेरे को भी घुमा लिया। और रे यार कैंची गेट बंद है, फिर करेंगे क्या, दिखेगी नहीं लाइब्रेरी तो हल्की से अंदर। हाँ कितने कमरे हैं यार, मैंने तो आज पहली बार अपने स्कूल में देखा 39, आगे भी चल रहे हैं क्या 40, लास्ट रूम तक हम पहुंच चुके हैं 40। इतनी गर्मी में मैं बना रही हूँ यार, ये हमारी लाइब्रेरी है, थोड़ा बहुत दिख जाए शायद। ये रही लाइब्रेरी का गेट, अंदर तो यार कैसे बनाएं।